नोट्स के अंदर, नोट्स के अंदर लिखी हुई मेरे हैंड राइटिंग में, दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ टाइमलाइन मेरे हैंड राइटिंग में। हाँ प्रथम कोई मिसिंग तो नहीं है? नो सर, ओके एवरीवन इज हियर, राइट, लेट्स स्टार्ट दिस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स के आने की स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। से अराउंड 1488 में एक बंदा था पोर्चुगीज, उसका नाम मैं बार बार भूलता हूँ, उसका नाम वार्लो कुछ तो था। ही वाज़ द, नहीं नहीं वास्को से पहले, ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन हु फाउंड अ रूट टू इंडिया, नॉट अ लैंड रूट बट अ रूट विच इज अ रूट विच इज, एक मिनट मेरे को दो, मैं पहले नोट्स अपने अच्छे से खोल लूं तभी मेरा माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा उस पर। अरिहंत, अरिहंत, मैं टाइमलाइन बनाई हुई थी यार, टाइमलाइन कहाँ गई मेरी? अरिहंत चैप्टर टू क्वेश्चन 9, ये तो आज मैं लिख दूंगा ना, आज चलो मैं आज लिख दूंगा, इसमें आ जाएगी जब जैसे जैसे मैं तुम लोगों पढ़ाऊंगा साथ साथ लिखता जाऊंगा। ओके राइट सार्थक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यार सार्थक तो लेट के ज्वाइन करता क्लास, ये बता। अरे वो सर इंटरनेट नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ आज भाई, बहुत लॉस हो जाता है जो लोग क्लास में लेट आते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, उनका माइंड स्पेस ठीक है, कोशिश किया कर भाई, नहीं लेट। ओके ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रथम, टुडे आई एम रिवाइजिंग द हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, लेट्स गेट क्रैकिंग फास्ट। सो आई वाज सेइंग दैट इंडियाज हिस्ट्री एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द पोर्चुगीज। उसका नाम था वाटोमोलो कुछ बंदे का नाम था। सो अराउंड 1480, देखो पहले क्या होता था, मैं आज मेरे को ज्यादा बोलना पड़ेगा, मैं थक भी जाऊंगा लास्ट क्लास तक आते आते, मेरी लास्ट क्लास होती है 9 o'clock तक, तो ठीक है तुम लोगों के लिए ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके प्रथम, गाइस जस्ट इमेजिन, रिमेंबर वी हैड दिस कंट्री, दिस इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, राइट, देन यू हैव समवेयर हियर यू हैव टर्की, एंड दिस इज मेडिटेरेनियन, यहाँ पे टर्की है, यहाँ हंगेरी है, यहाँ ऑस्ट्रिया है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस के नीचे स्पेन है, स्पेन के साइड में पोर्चुगल है यहाँ पे, और यहाँ पे इटली है, बूट ऑफ यूरोप, ओके, और यहाँ यूके, ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे है आपका अफ्रीका, ये अफ्रीका, सो इससे पहले हाँ केप टाउन एंड केप ऑफ गुड होप। सो यहाँ पे हमारे देश के अंदर उस वक्त वो जो चीजें थी बहुत मशहूर थी, जैसे हमारे यहाँ का जो फाइन कॉटन था वो अंग्रेजों, ये सारे यूरोपियन किंग्स को बहुत अच्छा लगता था फाइन कॉटन, उसको तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा, उसको मलमल कहते हैं, मलमल के कपड़े, मलमल की कुर्ती, मलमल का ये सब उदास चीजें, ठीक है, दिस फाइन कॉटन। साउथ इंडिया के स्पाइसेस बहुत मशहूर थे पूरी दुनिया में, तो यहाँ से ये लोग लेके जाते थे, इनको पूरा इंडिया पार करके से जाना पड़ता था, इंडिया करके फिर यहाँ से जाता था, यहाँ जाता था, यहाँ जाता, यहाँ 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 पे यहाँ जाके मेडिटेरेन के पास एक यहाँ इधर रेड से रेड्स इधर से रेड सी आता है यहाँ पे, यहाँ रेड सी, ठीक है, तो ये लोग यहाँ से जाते थे, तो बहुत दिनों से सारे के सारे यूरोपियंस, अच्छा क्या होता है पुराने जमाने में राजाओं क्या आता था, जहां से तुम गुजरोगे ना वहां से तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, उस राजा के जहां से गुजरते इतना टैक्स लग जाता था, पागल हो जाते थे, टैक्स दे देते 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 बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे वो सोचते थे, और राजा थे पहले के लोग, राजा लोग बिजनेस को प्रमोट करते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे जहांगीर है, जहांगीर का खुद का जहाज चलता था, जहांगीर मुगल सल्तनत के खुद के जहाज चलते थे, उसकी खुद की कंपनी थी, तो ये लोग बिजनेस करते थे सारे के सारे जो किंग थे पहले। स्पेन का जो किंग था वो बड़ा इंटरेस्टेड रहता था इन कामों में, बिजनेस में लेके, ठीक है, तो वो पोर्चुगीज लोग, जो पोर्चुगीज बाई बर्थ वर गुड नेविगेटर्स, गुड सी फायरिंग पीपल, सी फायरिंग बोलते हैं उसको, सी फायरिंग, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो तो समझ में आ जाएगा, गुड सी फायरिंग पीपल, बहुत अच्छे ये लोग थे,
तो ये घूमते रहते थे कि बोट लेके इधर निकल गई, कभी बोट। तो स्पेन के राजा ने इन लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। उसका नाम तो बार्टोमोलो, बार्टो मोलो, बार्टोमोलो जो था एक पोर्चुगीज था, और उसने यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, इसको बोलते केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी कर ली, यानी कि ये केप ऑफ। अच्छा बाय द वे, दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स दिस इज द ईस्टर्न वर्ल्ड एंड दिस इज द वेस्टर्न वर्ल्ड, दिस इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, वेस्टर्न पार्ट इज इट कंसिडर्ड। अभी तो चेंज हो गया, अभी तो जो लाइन यहां से जाती है यूके से लंदन से वो अलग है। उसके बाद वास्को डी गामा को स्पॉन्सर किया उसने, वास्को डी गामा को स्पॉन्सर किया, वास्को डी गामा को स्पॉन्सर किया स्पेन के किंग ने, वास्को डी गामा ने इसी रास्ते से आते हुए यहां से आते हुए यहां से आते हुए यहां से कालीकट में आगे चला, ठीक है। दैट वाज 1498। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम 1608 दिसंबर में, कैप्टन हॉकिंग्स आया था दिसंबर में, और वो जनवरी 1609 में गया जहांगीर के दरबार में, वहां उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए, बहुत सारा वो दिया, उसके पैर चूमे, ऐसे झुक कर कदमबोशी की, उसको कदमबोशी बोलते हैं उसको उर्दू में, फारसी में कदमबोशी की, और बहुत थैंक यू तुम क्योंकि आपके लिए गिफ्ट लेके आया, ये सब कहानी कहानी। बोला हमें ट्रेडिंग का अलाउ कर दो, तो ट्रेडिंग अलाउ कर दी मुगलों ने। फिर उसके बाद धीरे धीरे होते होते 1707 में ये मर गया औरंगजेब, अंग्रेजों को लगा कि अब तो मुगल सल्तनत खत्म हो गई, अब करते हैं। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूट लिया, तब तो अंग्रेजों को कंफर्म हो गया कि भैया अब तो कुछ बचा नहीं हिंदुस्तानी के पास, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर एक एक करके एनेक्स करना शुरू कर दिया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो गया, जब से इंडिया पहली बार उनको 1765 में उनको दीवानी मिल गई बंगाल की, दीवानी का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन अलाउड। इससे पहले जितना पैसा था सब लंदन से आता था, लंदन के पैसे से ये लोग सामान खरीदते थे और ट्रेडिंग करते थे, साथ में अपना यहाँ खर्चा पानी किराया वराया देते थे, अपना जो देते थे सैलरी वगैरह देते थे। इसके बाद सब खत्म हो गया 1675। इन्होंने बंगाल से टैक्स लेना शुरू किया, और अभी बाहर से पैसा नहीं आता था, इंडिया में ही बनने लगा। बंगाल के अंदर उस वक्त पूरा बंगाल था, पूरा नॉर्थ ईस्ट था, उड़ीसा, ये बिहार था और उड़ीसा था, इतना बड़ा बंगाल होता था पहले। उसके बाद पूरे कंट्री में फैल गए, तुम लोग सबको पता है। अच्छा अब इस चैप्टर के अंदर हम कहानी शुरू, अच्छा उसके बाद 1857 की वो हो गई, रिवोल्ट हो गया, 1857 का रिवोल्ट हो गया। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले ली एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी, और क्राउन के पास चला गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होता था, इंडियन सेक्रेटरी बोलते थे उसको, वो जो वहाँ लंदन में बैठता था, उसकी एक काउंसिल होती थी, और इंडिया के अंदर एक बंदा था उसको बोलते थे वाइसराय। ये दोनों मिला के ही देश को तो चलता वाइसराय था। और सेक्रेटरी एक ही होते थे या अलग होते नहीं, थे? नहीं, अलग अलग। तो वाइसराय तो इंडिया में बैठता था और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बैठता था लंदन में, ठीक है। और अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उसमें 60% से ज्यादा डायरेक्टर जो थे वो सारे पॉलिटिशियन थे, एमपी थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उनको लगने लगता और पैसा बहुत ज्यादा था इंडिया से, इतना पैसा लूटा इन लोगों ने, तो बहुत पैसा ज्यादा था लंदन, ऐसे कहते हैं लंदन की हर एक बिल्डिंग जो बनी हुई है वो इंडिया के पैसे से बनी हुई है। ओके तो ये सब तो चला रहा है, ये कहानी चली। अब हमारे देश के अंदर क्या हुआ, अब कहानी यहाँ से 1857 से थोड़ा सा ले लेता हूँ, फास्ट जा रहा हूँ मैं, काफी कुछ बीच में छोड़ते छोड़ते। 1857 के बाद तब वो थी प्रिंस विक्टोरिया, प्रिंस विक्टोरिया थी 1837 में गद्दी पे बैठी थी, 1901 में उसकी डेथ हुई। इतना लंबा शासन काल था उसका। क्वीन विक्टोरिया का, तो वो बन गई इंडिया की रानी। जल्दी जल्दी करते हैं। सो वी आर एट 1857 का, जल्दी जल्दी चलते हैं ना। जैसे मैं तुमसे बताया कि 1865 में दीवानी मिल गई, 1865 दीवानी, दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन का राइट दे दिया एक मुगल राजा ने। क्यों दिया था उसकी कहानी बहुत पुरानी कहानी है, 1864 में बक्सर की लड़ाई होती है उसकी वजह से दिया था उसने, उसको हार गया था वहां पे तो जबरदस्ती उसे ले लिया था। ओके दीवानी ले ली। उसके बाद 1873 में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई एक्ट। उसके अंदर लिखा था कि इंडिया में कैसे एक्ट किया जाएगा, कितने काउंसिल के मेंबर होंगे, क्या क्या पॉलिसी होगी, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, ये सब कहानियां शुरू हुई। और उसी वक्त तीन कानून आए, एक कानून था आर्म्स एक्ट,
जिसमें किसी भी इंडियन के पास आर्म्स रखने की परमिशन नहीं थी। आई थिंक 1878 का है शायद से, डाउट नहीं। उसके बाद आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि अंग्रेजी प्रेस को छोड़ के जो भी हिंदी प्रेस, गुजराती प्रेस जो होगी उसके अंदर जो भी छपेगा वो अंग्रेज पहले देखेंगे। 1879 ऐसा कुछ तो है, इसी टाइम की बात है। और एक और आया था पिट्स एक्ट। ये तीन एक्ट आए थे। इन तीन एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था दोस्तों, एक एक करके सुन दो। आर्म्स एक्ट के अंदर कोई बंदा हथियार नहीं रख सकता, पहली बात। मैं प्रेजेंट तो नहीं कर रहा ना, नहीं ठीक है। पहली बात, कोई भी इंडिया का बंदा एक्ट हथियार नहीं रख सकता। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छापा नहीं जाएगा, अगर छापा गया तो पूरी प्रेस की मशीनरी, प्रिंटिंग मशीन, पेपर पर सब जब्त हो जाएंगे। पिट्स एक्ट, एक ये बंदा इंडिया में काम करता था, अंग्रेज था। इसने बोला कि भाई ऐसा करो, जो इससे पहले ये कानून था कि नो इंडियन जज, नो इंडियन जज कैन टेक और कैन सिट फॉर ट्रायल ऑफ ए ब्रिटिशर, फॉर ट्रायल ऑफ ए यूरोपियन। यानी उसने चाहे कत्ल कर दिया, कुछ कर दिया, इंडिया के जो जज थे उसका वो केस नहीं ले सकते थे, वो सिर्फ एक ब्रिटिशर ही लेगा। तो इस बंदे ने कहा था कि यार एक काम करो, ये ऐसा गलत है, ये अलाउ करो, इसको अलाउ करो। फिर बंदा सही था, इंडिया के प्रो इंडिया था। तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट में इसको बहुत विरोध हुआ और उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट को कैंसिल कर दिया। इसे देश के लोगों के अंदर और गुस्सा फैल गया। इन तीनों चारों के गुस्से की वजह से 1885 में हमारे कंट्री में बना इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको 6-7 लोगों ने मिलकर बनाया था। एस सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, एओ ह्यूम वाज द मेन गाय। ही वाज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, एओ ह्यूम। उसका पूरा नाम भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तुम्हें मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस बंदे ने की मदद से 1885 में कांग्रेस बन गई। अगले 20 साल जो थे ना कांग्रेस के, वो ऐसे थे जिसको मॉडरेट फेज बोलते हैं, 1995 तक, क्योंकि ये लोग मॉडरेट थे, सब लोग रिक्वेस्ट करने में बिलीव करते थे। मॉडरेट फेज कहते थे, यार रिक्वेस्ट करके काम चला लो, यार इनको पेटिशन दे दो, इनको अंग्रेजों को पेटिशन दे दो, इनको रिक्वेस्ट कर लो। और इनको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, इन्होंने स्वतंत्रता मांगी नहीं कभी, इन्होंने बस इतना बोला थोड़े परमिशन दे दो। एक तो लड़ाई जो इतने तुम कर रहे हो, वॉर कर रहे हो इंडिया के पैसे से, उसको कम करो, थोड़ा सा जो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी दशा को ठीक करो, थोड़ा सा हमें काउंसिल जो बन रही है तुम्हारी, जैसे काउंसिल बनी थी उसकी वॉइस होगी उसमें, यार हमारे को पार्टिसिपेशन दो ना, थोड़ा सा 2-3 लोग हमारे भी रखो, ऐसी इनकी डिमांड होती थी। तो ये मॉडरेट थे, इसको मॉडरेट फेज बोलते हैं। लेकिन 1906 आते आते अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे, बंगाल पार्टीशन करेंगे। और बंगाल पार्टीशन के खिलाफ में खड़े हो गए लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। यहां से शुरू हो गया फेज कौन सा, हेट फेज। इनफैक्ट यहां तक हुआ कि 1906 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था सूरत में, उसमें इनमें एक दूसरे के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए। जब वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आया स्टेज पे, तो ये लोग जो गरम दल वाले थे, अच्छा गरम दल वॉन्टेड भाई लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री कराऊ, लाला लाजपत राय को स्टेज पे खड़े होकर बोलने का मौका दिया जाए। बहुत अच्छा ऑर्डिनेटर था वो, मॉडरेट्स को डर लगता था, ये साला बोलने एक बार आ गया तो लोगों को इतना भड़का देगा कि सब इसकी तरफ चले जाएंगे। तो उसको बोलने नहीं दिया। उसका गुस्सा उतारने के लिए जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी चढ़े स्टेज पे बोलने के लिए, तो किसी ने उन पर जूता फेंक दिया, दो जूते फेंके गए, एक उनको लगा, एक और बंदे को, दूसरे को, दो लोगों को लगा। तो वहां पे फिर लड़ाई होगी, उन्होंने कुर्सियां उठा उठा के एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। एंड 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई, दो दल हो गए, नरम और गर्म। और ये आगे चलता रहा, उसके बंगाल का विभाजन कर दिया गया। फाइनली जाके 1914 में दो काम हुए, 14 तक 15 दो काम हुए, कांग्रेस वापस मिल गई, कांग्रेस कम टुगेदर। और यही इसी टाइम पे 1906 में एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी अंग्रेजों ने, ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट पड़ जाए। तो इनके आपस में अलग अलग वो था। बाद में यहाँ पे ये लखनऊ पैक्ट बोलते हैं इसको, लखनऊ पैक्ट में ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी इकट्ठे हो गए, लखनऊ पैक्ट प्लस मुस्लिम लीग, ये यहाँ पे दोनों इकट्ठे हुए। मुस्लिम लीग को ML को बोलते थे, ML प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस इकट्ठे आ गए। ठीक है, दिसंबर 1915 में गांधी जी आ गए इंडिया में, MG
एक्चुअली गांधी जी आ गए थे पहला पहली बार गांधी 1901 का एक उन्होंने अटेंड किया था यहाँ पे एक, बट वो तभी भी साउथ अफ्रीका में रहते थे और उन्होंने आके सपोर्ट आके कांग्रेस से बोला था यार साउथ अफ्रीका में मैं काम कर रहा हूँ, उन लोग थोड़ा मेरी सपोर्ट करो और हमारा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ से ताकि थोड़ा हमारे उस मूवमेंट की पब्लिसिटी हो जाए साउथ अफ्रीका में। तो इंडिया में पक्का नहीं आए थे, परमानेंट नहीं आए थे, लेकिन दिसंबर 16 में जब आए तो पक्के तौर पर आए। उसके बाद जनवरी 1916 से इन्होंने शुरू कर दिया इंडिया के अंदर पूरा भ्रमण करना शुरू कर दिया, चार तो घूमने लगे। और जब गांधी आए तो सबसे पहला वो गए बिहार में चंपारण में, चंपारण में नील की खेती होती थी, यहाँ पे अत्याचार होता था किसानों पे, तो चंपारण मूवमेंट हुआ। चंपारण मूवमेंट के दौरान ही बिहार में गांधी जी की मुलाकात हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो बाद में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ओके, तो 16 में गए चंपारण, 17 में गए खेड़ा, गुजरात में एक जगह है खेड़ा, वहां पे किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा था, उनको फेमाइन आ गई थी, सूखा पड़ गया था। किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेमाइन एंड ड्रॉट, सूखा, सूखा और अकाल में क्या फर्क है? अचिंत्य बताएंगे आप, अचिंत्य व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेमाइन एंड ड्रॉट और सूखा एंड अकाल? सर मैं आए, अरे मेरे को इससे पूछने देना अचिंत्य को, ये थोड़ा इसका इसका कवर अप करना बहुत कुछ। हाँ अचिंत्य, ओके एनीबडी एल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेमाइन एंड ड्रॉट? सर मैं आए, ओके प्रश्न बताओ सर। फेमाइन इज एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड और सर ड्रॉट इज वेयर एवरीथिंग सर स्कार्सिटी ऑफ वाटर। Scarcity, right? Pronunciation is scarcity. Scarcity. Okay. So, guys, what happens is, जब drought पड़ जाता है, drought पड़ जाता है, एक साल drought पड़ गया, तो फिर भी किसान मैनेज कर लेता है कुछ थोड़ा बहुत उसके बाद आता है। लेकिन drought के बाद 1-2-3 years जब पड़ जाता है तो फूड बिल्कुल खत्म हो जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं अकाल या फेमाइन। फेमाइन फेमाइन एफ एम आई एफ फेमाइन आई थिंक ए है, ओके या ई है, चेक कर लेना। अच्छा दोस्तों, तो 1917 के अंदर खेड़ा गांव था गुजरात का, वहां के किसानों ने बोला गांधी जी आप आके हमारी हेल्प करो, तो गांधी जी वहां पे गए और इनको, क्योंकि इनका यहाँ पर ड्रॉट की प्रॉब्लम थी और इन लोगों को बोला था कि भाई टैक्स नहीं देना, तो वहां जाके गांधी जी ने काम किया। वहां गांधी जी की मुलाकात हुई एक और बंदे से जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल से लड़ाई हुई, अपना बातचीत हुई और धीरे धीरे काम हुआ 1917 में ही, शायद से 1670, थोड़ा बहुत उसमें अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के साथ काम किया, अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के साथ काम किया गांधी ने, मिल वर्कर्स, ठीक। लेकिन तब तक कुछ और हो गया था, 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया था और अंग्रेजों ने कहा कांग्रेस को कि भैया हेल्प अस, अंग्रेज बोला हम तो नहीं हेल्प करेंगे तुम्हारी, कल क्यों हेल्प करें हम तुम्हारी, तो बोला यार नहीं तुम हेल्प नहीं करोगे तो हमारी तो वॉट लग जाएगी, तो ऐसा करो तुम हमें हेल्प करो, हम तुम्हें ऑटोनॉमी दे देंगे, हम तुम्हें ज्यादा पावर दे देंगे, इसके बाद तुम्हें ऑटोनॉमी दे। और तब कांग्रेस चाहती भी थी ऑटोनॉमी दे दो यार, हमें ऐसा हो कि हमारे खुद के इलेक्शन हो, उसमें हमारे मेंबर हो, आप ऊपर से सुपरवाइज करते रहो, हमें इंडिपेंडेंस दी चाहिए, ऑटोनॉमी दे दो, होम रूल बोलते उसको, होम रूल। एनी बेसेंट ने चलाया था होम रूल 1916 में। एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश लेडी थी, इंग्लैंड की नहीं थी, वो आयरलैंड की थी, होम रूल 1916। हाँ ठीक है, तो इधर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अच्छा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, हमेशा वॉर के टाइम में ना कंट्री के अंदर इमरजेंसी लग जाती है दोस्तों, और इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, जिसपे भी शक होता है पुलिस उसको उठा सकती है, परमिशन होती है। तो ये इसलिए होता है कि लड़ाई के टाइम पे कोई जासूसी कर रहा देश की, तो देश के सैनिक जा रहे हैं उनके बीच रास्ते में अरंगिया डाल रहा है, रोड ब्लॉक कर दी किसी ने ऐसे करके दुश्मन के साथ मिलकर, उसको टैकल करने के लिए एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाती है पुलिस को, एक्स्ट्रा पावर टू पुलिस, ठीक है, पुलिस का एक्स्ट्रा पावर। ये रूल आ गया था 1914 में, तो पुलिस किसी को भी डिटेंशन में रख सकती है उसके, अंग्रेजों की हेल्प कर रही, चलो इन्होंने कहा, कांग्रेसी ने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा ओके वी विल हेल्प यू आफ्टर द वॉर, यू प्लीज गिव अस मोर पावर, ठीक। 1918 में लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तो था जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट मनी प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, मनी प्रॉब्लम। तो दे व्हाट डिड दे डू आफ्टर द वॉर, सो इंस्टेड ऑफ
इंस्टेड ऑफ होम रूल और ऑटोनॉमी दे रिवार्डेड इंडियाज हेल्प इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय द फॉलोइंग फर्स्ट दे मेड दीज थिंग परमानेंट द पुलिस की जो पावर थी इसको परमानेंट बना दिया गया उसका नाम क्या था व्हाट वाज दैट क्या हुआ था 1919 में जब आया था जो कमीशन रोलैट एक्ट की मदद से उसको परमानेंट बना दिया कि जो वॉर के टाइम पे पुलिस को पावर दी गई थी 2 ईयर प्रिजन रखने की बंदे को बंदे को बिना सबूत को उठाने की कोर्ट के सामने ना ले जाने की उसको गला परमानेंट हो गया तो दूसरा टैक्स बढ़ा दी भाई टैक्स इंक्रीज ठीक है अच्छा वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे अपने देश के अंदर एक पार्टी को जो जिन लोगों को फायदा हुआ था वो इंडियन इंडस्ट्री क्यों हुआ था क्योंकि यूके की इंडस्ट्री पूरी वॉर का काम कर रही थी वॉर और इनको स्टील स्टील चाहिए था तो इंडियन इंडस्ट्री काफी फली फूली थी इसमें ब्लॉसम हो गई थी ठीक है ग्रो अब जैसे ही वॉर खत्म हुआ इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर लगा दिया टैक्स लगा दिया हमारी अप और यूके की इंडस्ट्री से सामान फटाफट इंपोर्ट आने लगा तो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इंडस्ट्री के ऊपर वो लग गए ड्यूटीज लगने लगी इंडस्ट्री ड्यूटीज ऑफ एक्सपोर्ट और यूके के माल को नो इम्पोर्ट ड्यूटी यूके का माल इंडिया में सस्ता हो गया हमारे लिए बाहर बेचना मुश्किल हो गया ये हो गया ये सारा बड़ा लोगों को गुस्सा आ गया लोगों को गांधी जी तब तो आ ही चुके थे सर, अगर आप यूके अगर आप इंडिया के उसको बिजनेसमैन को बोलो कि तू बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो हम तेरे पे टैक्स लगाएंगे तो जब वो माल जाके इंग्लैंड में बिकेगा तो महंगा हो चुका है ना तब तक यस सर और वहां के माल को इंडिया में आने के लिए बोला कोई ड्यूटी फूटी नहीं बेचो आराम से वो सस्ता बिकेगा तो इसलिए इनको तो दबने लगे तो भाई अच्छा उसी वक्त क्या हो गया था एक और कहानी हो गई थी ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया भैया ये मत सोचना मैं पुरानी कहानी सुना रहा हूँ तो उसको उसका नाम था कैलिफा कैलिफैट बोलते हैं उसको कैलिफैट कहीं कहीं सी भी आता है सी आता है कैलिफैट कैलिफैट का मतलब हिंदी में उसको बोलता हूँ तू बड़ा खलीफा बन रहा है खलीफा क्या है मुस्लिम्स का एक टाइटल है जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य का टाइटल है या इस तरह का टाइटल है तो खलीफा यह पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स का एक बॉस है स्पिरिचुअल बॉस खलीफा अंग्रेजों ने बोला भाड़ में जा तू कैसे खलीफा खलीफा कुछ नहीं हमने मानते तेरे को उसको सारी पावर उसकी ले ली इस चीज के लिए लोगों के अंदर आना गुस्सा आना शुरू हो गया तो इसका नाम अच्छा इसको इसका नाम रखा गया खिलाफत मूवमेंट खिलाफत का मतलब देखो दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना कैलिफैट जो है वो गुरु है और खिलाफत का मतलब है अपोजिशन खिलाफ नहीं बोलते इसके खिलाफ खड़ा हो गया उसके खिलाफ बात कह दी खिलाफत तो खिलाफत इस एक्शन के खिलाफत में इंडिया के अंदर मार्च 99 में एक सोसाइटी बनी जिसका जिसके अंदर दो भाई थे मोहम्मद अली एंड किसको याद दूसरे भाई का नाम मोहम्मद अली एंड शौकत अली मोहम्मद अली शौकत अली दो दो भाई थे इन्होंने कहा तो गलत हो रहा है पूरे दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाओ खड़े हो जाओ इंडिया में हम तुम्हें खड़ा करेंगे गांधी जी को मौका अच्छा लगा गांधी ने बोला ये साले लड़ते रहते हैं आपस में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक काम करते अपन तो मिल जाते और मिलके दोनों ने यात्रा करी पूरे इंडिया की 1920 में पूरी यात्रा चली महात्मा गांधी और शौकत अली की और इन्होंने घूम घूम के देश के लोगों को बताया और सुनो खड़े हो जाओ हम एक नया मूवमेंट शुरू करने वाले हैं उस मूवमेंट का नाम हम रखेंगे हाँ जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ठीक है इतना तो याद होगा अरे मूवमेंट का नाम तो याद होगा भाई हो तुम लोग नहीं मूवमेंट का नाम तो याद कर लो यार कम से कम ये इतनी डेट और इतनी कॉन्सेप्ट तो कहाँ याद मुश्किल हो जाएगा लेकिन कम से कम मेन मेन चीज तो याद रखो ओके सो तो हाथ मिला लिया गांधी जी ने और शुरू कर दिया फरवरी 1921 के अंदर सॉरी फरवरी 9 अच्छा नहीं इससे पहले कुछ और भी हो गया रुको
इससे पहले कुछ और हो गया। तो गांधी जी ने क्या किया, आई थिंक 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने बोला कि भाई नॉन कॉपरेशन शुरू कर दो, नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉप मूवमेंट शुरू कर दिया। इसका नाम नॉन एनसीए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, हब छप जगह हल्ला। तो क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने अपनी क्लासेस छोड़ दी। गांधी जी ने 1910 में एक बुक लिखी थी, 1910 में बुक लिखी थी, जब वो अफ्रीका थे। उस बुक का नाम था स्वदेश, स्वराज, नॉट स्वदेश, स्वराज। स्वदेश तो पिक्चर शाहरुख खान की। स्वराज बुक में उन्होंने लिखा कि अगर इंडिया के लोग चाहें तो ब्रिटिशर एक दिन भी या एक साल भी इंडिया के ऊपर राज नहीं कर सकते। वो आज राज कर रहे हैं ब्रिटिशर, क्योंकि वो इंडिया के लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप नॉन कोऑपरेट कर दो, यानी कि इंजन का, गाड़ी का ड्राइवर बोला कि हम नहीं इंजन चलाएंगे, तो वो है इंडिया, ब्रिटिश की आर्मी में 1857 में 40,000 ब्रिटिश सोल्जर थे एंड 2.5 लाख इंडियन सोल्जर थे। पुलिस भी सारी इंडियंस थी, सिर्फ ऑफिसर ब्रिटिशर थे। तो गांधी ने बोला यार सब छोड़ो यार, तुम लोग तुम तो मना कर दो, भाग जाएंगे चुपचाप ही अपना वापस में। लेकिन एक साथ इतनी यूनिटी कहाँ आती भाई। तो वो फिर क्या हुआ कि, लेकिन इस बार थोड़ा बात बन गई। तो स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी, डॉक्टर जो थोड़े बहुत थे उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिए, वर्कर्स ने काम छोड़ दिया, सब छोड़ के आगे सड़क पे। 6 अप्रैल 1919 को ये लॉन्च हुआ और उसके बाद चारों तरफ फैलने लग गया। अभी ये 13 अप्रैल की बात है 1919 की। अमृतसर बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, अमृतसर के अंदर बहुत एक्टिविटी होती थी, पुराना शहर था अमृतसर। तो अमृतसर के अंदर एक बंदा था, इसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि यार हमसे संभलेंगे नहीं ये लोग, तुम जनरल डायर को परमिशन दे दी। 13 अप्रैल को बैसाखी होती है, बैसाखी, जनरल डायर ने बोला कि नो मूवमेंट के ऑर्डर है, कोई भी शहर के अंदर कोई इधर उधर हरकत नहीं करेगा, नो मूवमेंट। ठीक है, नो मूवमेंट के ऑर्डर हो गए। लेकिन गांव के लोगों को पता नहीं था, गांव के लोग, वहां पे एक मेला लगता था, बैसाखी का मेला लगता था, जहां जहां पे उसको क्या नाम था उसका, जलिया वाला बाग में, जलिया वाला बाग, जलिया वाला बाग के अंदर मेला लगता था भैया। तो जनरल डायर को पता चला कि कुछ लोग जलिया वाला बाग के अंदर आ गए, तो उसको लगा कि ये प्रोटेस्ट करने आए। उसे ये नहीं एहसास हुआ कि बच्चे आए हैं वहां पे, औरतें आई हैं, ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट करने नहीं आए, तो चार अपना मेला देखने के आए। तो जलिया वाला बाग की एक ही एंट्री थी, ये गया वहां पे, इसने अपने सैनिकों को ऐसे खड़ा कर दिया, अपने आप पीछे खड़ा हो गया इधर, और बोला स्टार्ट फायरिंग बिना किसी वार्निंग के। तो फायरिंग स्टार्ट कर दिया, आई थिंक 1500 सम राउंड्स वर फायर्ड एंड 300 समथिंग, और आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, मे बी 800, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड यू कैन सी। उसके बीच में कुआं था, जलियांवाला बाग के बीच में कुआं था, तो लोग जान बचा लेके कुएं में कूद गए, तो एक के ऊपर एक कूदे जो, उससे भी बहुत लोग मर गए। इसका तो बहुत खतरनाक हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड थी, उनको सर की उपाधि मिली हुई थी, नाइटहुड मिली हुई थी, वो छोड़ दी। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेक्शन कर दिया, और गांधी जी ने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा वायलेंस होगी, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। ये गांधी जी बार बार करेंगे, विड्रॉ करेंगे मूवमेंट को। ठीक है, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, ये अप्रैल में हो गया, 16-17 अप्रैल को, 16 अप्रैल कर लिया। अच्छा भाई, अब फिर शुभ बुगाड़ चली, अब कर्ज करो, क्या करो क्या करो, ऐसे करो वैसे करो। उसके बाद फरवरी 2020 में रीलॉन्च किया। फरवरी 2020 हाँ आई थिंक सो, सर फरवरी 2020 अब भाई 1920 यार रीलॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इतना तो चलेगा भी, तेज तेज बोल रहा हूँ, फास्ट फास्ट जा रहे, कहीं ना कुछ तो कुछ रह गई, तो तुम लोग याद दिलाया करो। ठीक है, रीलॉन्च कर दिया भैया। रीलॉन्च करने के बाद फिर इस बार थोड़ा एक्शन अच्छा हुआ, स्टूडेंट्स का एक्शन, उसके बाद लॉयर्स का एक्शन, सब लोग आगे सड़क सड़क। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, स्कूल की पढ़ाई छोड़ के आगे स्टूडेंट, अंग्रेजी स्कूल तो छोड़ दिया, इंडियन स्कूल तो है, अब कहाँ आएंगे। लोगों की आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे, लॉयर आगे छोड़ के लट कोर्ट, कोई इंडियन कोर्ट तो है ही नहीं, कोई पैरेलल सिस्टम नहीं था उसको सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे 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 कमजोर पड़ना शुरू हो गया। साथ में एक और कहानी हो गई कि फरवरी 16 फरवरी था शायद से, 1921 में यूपी में एक जगह है, इसका नाम, उसका नाम है चोरी चोरा।
चोरी चोरा, चोरी चोरा के पास से कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे थे, पुलिस ने तो गोली चला दी। हाँ गोरखपुर में, गोरखपुर में तो यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट कर, पुलिस ने गोली चला दी। भीड़ को गुस्सा आ गया, भीड़ गई पुलिस स्टेशन पे, और पुलिस स्टेशन को जो भी पुलिस स्टेशन था उसको चारों तरफ से घेर लिया, उसमें आग लगा दी। 26 पुलिस वाले जिंदा जल गए। जब ये घटना की खबर गांधी जी तक पहुंची, गांधी जी ने पूरे के पूरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है पिक्चर? कोई बात पूछनी किसी ने बताओ? थोड़ा बहुत ना जो मैं दे रहा हूँ डेट थोड़ा अप डाउन होगी, अपने बुक से चेक कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और क्या होता है कि ये बुक ये मैंने कब पढ़ाया होता है, 2-3 महीने पहले पढ़ाया होगा, 2 महीने पहले पढ़ाया होगा, सो डेट्स टेंड टू गेट मिक्स्ड अप। तो भाई इसके बाद तो कुछ खास नहीं हुआ, 22 से लेके कहानी चलती रही, चलता रहा कुछ ना कुछ चलता रहा। 1922 आया, ठीक है, उसके बाद 1923-1924, 1926 आते आते इंडिया के अंदर ना फेमाइन की सिचुएशन खराब हो गई, ठीक है, और धीरे धीरे जो महंगाई बढ़ने लगी, सो इन्फ्लेशन हाई हो गया, किसानों को उनके समाज पैसा नहीं मिल रहा था अपनी इस चीज का। और तुम लोगों को सबको पता होगा 1929 के अंदर तो ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो गया था इंग्लैंड में, अमेरिका से, तो सारे देश में, सारे वर्ल्ड में माल की खपत कम हो गई और धीरे 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 परेशानियां बढ़ती गई। इसी टाइम पे मैं डेट भूल रहा हूँ बीच में कुछ, तो कांग्रेस ने बोला इंडियन नेशनल, हाँ 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 अच्छा, गांधी जी को समझ में आया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, इतने दिन हो गए हमने कुछ खास मोटा मोटा काम किया नहीं। तो उस वक्त एक था कि एक सॉल्ट टैक्स होता था, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था। अब सॉल्ट तो हर अच्छा सॉल्ट तो नोबडी कुड मैन्युफैक्चर सॉल्ट, अंग्रेजों के अलावा किसी को परमिशन नहीं थी सॉल्ट बनाने की, अंग्रेज बनाते तो टैक्स के साथ बेचते थे। लेकिन इससे पहले एक बात सुनो, इससे बात पहले क्या हुआ, मेरे को कुछ कहीं मिस हो रहा है यार, लेकिन टाइम नहीं है, मैं अभी खत्म करता हूँ। कुछ ऐसा हुआ कि लाहौर का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, हर साल होता था कांग्रेस का, एवरी ईयर देयर इज़ टू बी कन्वेंशन, लाहौर कन्वेंशन के अंदर पंडित नेहरू वाज, हाँ इसके बीच में काम ऐसा कुछ आया था कि ये जो लोग थे मोतीलाल नेहरू, एक अरविंदो घोष, ये 2-3 लोगों ने मिलके बोला कि यार ये सब छोड़ दो, उन्होंने एक पार्टी बनाई अपनी, नाम नहीं होता ध्यान आ रहा, पार्टी बनाई, बोला यार ये सब छोड़ो, अपन लोग ना काउंसिल के इलेक्शन लड़के ही, काउंसिल इलेक्शन लड़के ही काम करेंगे। और ये बात है 1928 में, मोतीलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्वेंशन, नेक्स्ट ईयर हिज सन, नेक्स्ट ईयर इन 1929 हिज सन जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्वेंशन, एंड दिस वॉज इन डिसम्बर, this was in Lahore near on the banks of river Ravi. So Gandhi apna Nehru on that this thing said took a oath of swaraj. ab unhone kaha ki ab hame kuch nahi chahiye autonomy wagera, purn swaraj chahiye hame, oath of purn swaraj, purn swaraj, usme likha gaya ki ab hum pura swaraj leke rahenge, ye sab hoga, ye sab ka hoga. aur ye jo oath li gayi thi 26 january 1930 वन को ली गई, तब इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये 30 है, ये 30 है, ये 31 है, 30 है शायद, 30 है शायद, ये है देखो मैं थोड़ा सा तुम लोगों के लिए ना वो कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये देखो जल्दी। तो यहां से बात शुरू हो रही है वर्ल्ड वॉर वन से, प्रथम नजर आ रहा है वर्ल्ड वॉर वन से कहानी शुरू हो रही है तुम्हारी बुक के अंदर, ठीक है गाइस, कैन यू सी दिस, विराज प्रथम अंतरिक्ष भाई, सब लोग देख रहे हैं, सात्विक भव्य, हाँ राजवर्धन, कार्तिकेयन, कार्तिक श्लोई, सब लोग भाई बताओ। तो यहाँ से कहानी शुरू हो रही है आपकी, वर्ल्ड वॉर वन से शुरू हो रही है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, एक्सट्रीम स्केयरसिटी ऑफ फूड हो गई, लोगों को खाना नहीं है, बहुत लोग मर गए, सत्याग्रह की कहानी शुरू हो गई, वर्कर्स जो है ये देखो इंडियन वर्कर्स हैं साउथ अफ्रीका मार्च कर रहे, गांधी जी के नेतृत्व में कर रहे थे,
गांधी जी बाद में इंडिया आए, तो उसके बाद इंडिया में आ गए 1970 में, चंपारण गए, वो मैं बोला ना डेढ़ तड़ा एक बार चेक कर लेना, 16-17 में, 16 में शायद पूरा इंडिया घूमे, 17 में चंपारण गए, उसके बाद ये खेड़ा में गए, खेड़ा गुजरात में जहां को सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले, उसके बाद 18 में अहमदाबाद गए, तो था मेरे जो साल है ना अप डाउन हो गए थोड़ा एक वन ईयर दिस साइड। अच्छा उसके बाद रोलाट एक्ट आ गया, रोलाट एक्ट के अंदर वो हो गया कि इंडियन बंदे को पकड़ लो साला कोई तुम्हारा नहीं कर सकता, पुलिस को पावर देगी। गांधी जी ने एक जनरल हड़ताल बुलाई थी 6 अप्रैल को 1919 में, हड़ताल हो रही है तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया लोगों ने, ये सब कहानी शुरू हुई। अमृतसर के अंदर अंग्रेजों ने जनरल डायर को कमांड दे दी, जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर इतना बेवकूफ इंसान था, एक वहां पे लड़की थी उसका नाम था मार्शला शेरवुड, मार्शला शेरवुड को इस गली में किसी ने छेड़ दिया, ये जो गली दिखाई है छेड़ दिया किसी ने उसको, तो डायर को लगा, या तो बाद में भी बात पता चली थी, शेरवुड ने कहा कि भाई मेरे को साथ छेड़ा किसी ने, तो जनरल डायर ने कहा इस स्ट्रीट को बोलते क्रॉलिंग, क्रॉलिंग स्ट्रीट थी, क्रॉलिंग ऑर्डर, ये स्ट्रीट ऐसी थी कि अगर इस स्ट्रीट से ना आओ तो पूरा बहुत घूम के जाना पड़ता था तुम्हें, जो लोग यहाँ से घूमते थे जनरल डायर ने कहा जो भी यहाँ से गुजरेगा वो क्रॉल करके गुजरेगा, क्रॉलिंग करता जाएगा। तो ये जनरल डायर ने बहुत उल्टे पुल्टे काम किए थे वहां पे, लोगों को मारा पीटा, पिटाई की लोगों की बहुत ये करे, तो फिर अपना जिससे लोगों को गुस्सा और बढ़ गया, तो ये जले वाला बाग कांड हो गया। जले वाला बाग कांड के बाद जो है अपना रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड छोड़ दी, बहुत लोगों ने छोड़ दिया और धीरे धीरे उसको वापस ले लिया गया। अच्छा जैसे ये खिलाफत, देखो खिलाफत का इशू यहाँ पे आ गया, मैं देखो दिखा रहा हूँ तुम्हें, ओटोमन जो एम्पायर है टर्की का। अच्छा तुम लोग बोलो सर टर्की बोल रहे थे आप, तो ओटोमन क्या, एक्चुअली ओटोमन एक डायनेस्टी थी जिसका बेस टर्की में था, एक टाइम पे ओटोमन डायनेस्टी का बहुत बड़ा राज्य था, ईरान इराक पूरा बहुत सारा यूरोप उसके अंडर में था, 500 साल तक राज किया था उस डायनेस्टी ने, तो ओटोमन एम्पायर टर्की बेस था, तो ये बर्बाद हो गया था, बर्बाद हो गया था, उसमें कुछ नहीं बचा था, तो खलीफा को इन लोगों ने हटाने की सोची, तो उसकी खिलाफत करने के लिए पूरे के पूरे दुनिया में बॉम्बे में मैंने बताया ना 1991 शौकत अली मोहम्मद अली ने बनाई थी, गांधी ने कहा यार चल मिलके काम करते हैं अपन, तो ये 1920 में पूरे में घूमते रहे और कलकत्ता सेशन हुआ और 20 अच्छा मैंने बताया था एक बुक लिखी थी गांधी जी 1909 में, बोला था कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो एक दिन में सरकार गिर जाएगी, एक साल में गिर जाएगी, तो उस बात मद्देनजर रखते हुए गांधी जी और शौकत अली ना पूरे 1920 में घूमे पूरे उसमें, ठीक है। और 21 के अंदर थोड़ा मेरा एक एक साल अप डाउन हो गया, सितंबर और दिसंबर में बहुत चलता रहा, कुछ कुछ लोग बोले रहने दो यार क्या करोगे तू करके ये सब कोऑपरेशन मूवमेंट करके, कुछ लोगों ने कहा नहीं करके, करते 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 एक साल बीत गया और नागपुर में 1920 में गांधी आई थिंक दैट वाज द ओनली ईयर इन विच गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्वेंशन, उसके अलावा कभी नहीं बने, शायद 1920 ही वो साल था जब नागपुर के अधिवेशन में ही वाज द प्रेसिडेंट, सो ही ब्रॉट द प्रपोजल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है जी। ये देखो बॉयकॉट, फॉरेन कपड़ों का बॉयकॉट होने लग गया, इनकी होली जलाने लग गए लोग, लेकिन यह दिक्कत क्या थी, फॉरेन का कपड़ा सस्ता पड़ता था, मजदूर आदमी अच्छे से खरीद लेता था, खादी महंगी पड़ती थी, क्योंकि खादी एक बंदा बना के बैठ के बना रहा है, उधर मशीनें बना रही है, तो खादी तो महंगी पड़ेगी पड़ेगी, लोगों ने थोड़े टाइम बाद फिर खादी छोड़ दी, बोला कौन महंगा, फिर कपड़े पहनने शुरू कर दिए बाहर वालों के। अच्छा देखो मूवमेंट टाउन के अंदर मूवमेंट हुआ, ये सब दिखा हुआ है इसके अंदर, किसको क्या दिक्कत हुई, खादी का भी पॉइंट दिया हुआ है लोगों को यहाँ पे। अच्छा जहां जहां फॉरन सामान बिकता था, दारू बिकती थी, उसके बाहर लोग टिकट करके बैठ, टिकट का मतलब होता है चार पांच लोग बैठ गए, कोई यहाँ पे आएगा तो उसको खरीदने नहीं देंगे, इस टाइप से शुरू हो गया, ठीक है। तो कंट्री साइड के अंदर भी रिवेलियन हो गया कि वहां पे एक बंदा था जिसका नाम था बाबा रामचंद, जिसने के वो किसान सभा के साथ हेल्प की से काम शुरू किया था, किसानों की मदद करने की कोशिश की थी, जो आदमी जवाहरलाल नेहरू उसके साथ मिल गए थे, उन लोगों ने मिलकर किसान सभा का वो किया था। ये गुस्सा किससे थे, ये किसान जो थे लैंडलॉर्ड से गुस्सा थे, अंग्रेजों से तो थे ही, लैंडलॉर्ड से भी गुस्सा थे, क्योंकि अंग्रेज बिना पैसे दिए इनसे काम करवाते थे, बिना पैसे दिए काम करवाते थे और उसके बाद इनको अत्याचार करते थे इनके साथ, तो उन सबको मिला लिया। अच्छा कहीं कहीं जैसे वेस्टर्न यूपी के अंदर जमींदार भी गुस्सा में थे, क्योंकि किसान अंग्रेज उनसे इतना ज्यादा टैक्स लेते थे कि उनको खराब लगता था कि यार इतना टैक्स हम दे ही नहीं सकते, हम कैसे देंगे, तो वो भी जुड़ पड़े नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। उसके अलावा टी गार्डन के जो वर्कर थे उनको भी सुनने में आया कि भाई चलो गांधी राज आ गया, गांधी राज आ गया, तो मान लो अपने अपने गांव चलते हैं, अपने अपने गांव चलते वहां जमीन मिलेगी तुम्हें सबको, तो निकल पड़े वहां से, रास्ते में स्ट्राइक हो गई, वो बीच में पकड़े गए, वहां पे एक इनलैंड मूवमेंट एक्ट था 1859 का, जिसके हिसाब से तुम प्लांटेशन छोड़ के जा नहीं सकते, पुलिस ने उनको डंडे बजाए और वापस लेके आ गए प्लांटेशन में, वो बेचारा फेल हो गया उधर,
ठीक है। उसके अलावा एक वहां पे एक बंदा था तेलुगु में, आंध्रा में, जिसका नाम क्या था यार, क्या नाम था, हाँ अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा कि यार वो भगवान मानता, उनकी हेल्प से उसने कई पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, वहां से हथियार छीन लिए। वो ये तो कहता था गांधी जी बढ़िया बंदा है, लेकिन वो वायलेंस में बिलीव करता था। बाद में 1924 में अंग्रेजों से पकड़ के फांसी पर चढ़ा दिया था अल्लूरी सीताराम राजू को। ठीक है भाई, उसके बाद ये सब कहानी शुरू हो गई। प्लांटेशन का मैंने तुम्हें समझा ही दिया है। धीरे 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 ये चोरा चोरी कांड है 1922 का गोरखपुर में, जहां पे के ये पुलिस वालों को मार दिया अंग्रेज, गांधी जी ने वापस के लिए कहा। उसके बाद सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, बोला यार रहने दो, लड़ने झगड़ने कुछ नहीं, अब इलेक्शन लड़के ही अपने घर चेंज कर लिए। लेकिन वो काम हो नहीं पाया, धीरे धीरे ये चलता रहा। उसके बाद फिर एक हाँ साइमन कमीशन आया था 1920। अंग्रेज क्या करते थे, हर 10 साल बाद इंडिया के जो गवर्नमेंट एक्ट था उसको रिव्यू करते थे। तो अब उन्होंने साइमन कमीशन भेजा कि भाई चेक करो इंडिया में हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इंडिया वाले खुश है कि नहीं, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, सर साइमन का, सर साइमन का पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो था वो, इसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन, जॉन साइमन, जॉन साइमन। तो अब जॉन साइमन के उसमें शायद 7 मेंबर थे, लेकिन इंडियन कोई नहीं था। जब इंडिया में आया तो लोगों ने बड़ा विरोध किया। एक्चुअली कांग्रेस तो ढूंढते रहते ना मौका किस मुद्दे को उठाएं, तो मुद्दा उठा लिया, उन्होंने बोला साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। कहानी हुई हर जगह, देश में जगह जगह हल्ले मचने लगे, हल्ले मचने लगे। तो जो पंजाब में एक जगह प्रदर्शन हो रहा था, तो वहां पे लाला लाजपत राय भी प्रदर्शन में शामिल थे। तो वहां पे सैंडर्स करके एक बंदा था, उसने बोला कि लाठी बरसा दो उनपे। तो लाठी बरसाई गई, उन पर लाला जी के सर पे चोट लगी, डंडा लग गया लाला जी, लाला जी बीमार हो गए, चले गए, 1 महीने बाद मर गए। भगत सिंह ने कसम उठाई कि मैं सैंडर्स को मार के रहूंगा। फिर उन्होंने बाद में सैंडर्स को गोली मार दी, और सैंडर्स को या नाम था या थोड़ा हो सकता है दर्द हो जाए मेरा नाम इधर उधर, ठीक है। उसके बाद तो गांधी जी ने कहा यार ये तो क्या कहानी चल रही है, अब कुछ और नया आंदोलन शुरू करते चले। इस बार तो गांधी ने सॉल्ट मामले उठाए, तब तक स्वराज की बात में, तो स्वराज की बात में तुम लोग याद देखिए, ये देखो स्वराज 26 जनवरी को प्लेज ली गई 1930 को, कि भाई ये प्लेज दी हुई है पढ़ लेना भाई लोग उसको, ठीक है। लेकिन यार जो स्वराज पे जो बात होनी चाहिए थी 26 जनवरी को, पूरे देश में ऑर्गेनाइज किया गया, हम सब कसम उठाएंगे अलग अलग, पूरे देश में इकट्ठे हो गए अलग अलग जगह पे। गांधी देखा यार मजा नहीं आ रहा लोगों के अंदर, तो चलो भावना खत्म हो गई। तो गांधी जी ने 30 जनवरी 1930 को एक चिट्ठी लिखी, किसको लिखी, ये जो इनके साथ था इरविन था उस वक्त वाइस रॉय, बोला भाई ये 11 पॉइंट दे रहा तेरे को मैं, और ये 11 पॉइंट के ऊपर तुझे काम करना है, अगर नहीं हुआ तो हम लोग 6 मार्च से 15 मार्च से तो कुछ टाइम दिया उसको, हम लोग शुरू कर देंगे अपना फिर से आंदोलन। तो इरविन ने कहा जाओ भाड़ में झगड़ा नहीं सुनता तुम्हारी, तो उसने कुछ नहीं, वो पेपर को उठा के फाड़ में फेंक दिया। गांधी जी गुस्सा आया, गांधी ने 15 मार्च को सारी दुनिया को इकट्ठा किया, बोला भाई हम चल रहे हैं दांडी की तरफ। तो वो चल पड़े अपना वहां से आश्रम से निकल पड़े, और 20 दिन के बाद 6 अप्रैल को या ऐसा दूसरा डेट था उसके देख लेते हैं कब पहुंचा, ठीक है। 11 मार्च को दिया था, 11 मार्च को टाइम दिया था, 30 जनवरी को लिखा था लेटर और 11 मार्च तक बोला था इसको कंप्लीट कर दो, और 11 डिमांड थी उसकी याद रखने का तरीका। तो गांधी जी चल पड़े भाई, 78 बंदे थे इनके साथ, लेकिन जब चलते गए तो पीछे लोग इनके जुड़ते गए। 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंच गए डांडी नदिया के किनारे, समुद्र के किनारे, और वहां पे इन्होंने बना दिया क्या बोलते हैं असॉल्ट, और उसी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ चालू हुआ, फिर वही कहानी हुई, फिर धीरे धीरे कहीं किसी ने अटैक कर दिया, गांधी ने कहा रहने दो। तब तक अंग्रेजों ने बोला एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपन लोग लंदन में, सब लोग आ जाओ बैठ के बात करेंगे। तो उसमें कौन कौन था, उसमें हिंदू महासभा थी, बी आर अम्बेडकर की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, बहुत सारी पार्टी बूटी थी, 12-15 लोग थे बैठ के। पहले वाले तो गांधी गए, उसी में फिर इरविन गया गांधी के पास, गया थोड़ा मान जाओ आप मान दो, तो गांधी मान गए, दिसंबर में चले गए, दिसंबर 30 में सेकंड कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लिए। वहां कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाथ में नहीं आया कुछ, तो वापस आ गए। फिर उसके बाद फिर दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर फाइनली 1942 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सितंबर 1939 में शुरू हुआ था, अंग्रेज हाथ जोड़े बोला ये हमारे साथ जितने कम मर जाएंगे, क्योंकि हिटलर तो मारा जा रहा था, पहले जा रहा था, ब्रिटेन सबकी हालत खराब कर रही थी, फ्रांस को पूरा कैप्चर कर लिया था। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए बिल्कुल। तो अंग्रेज गांधी जी ने कहा नहीं, हमें तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दोगे तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो फिर उसके बाद एक क्रिप्स मिशन आया था आई थिंक 42 में, उसमें बात नहीं बनी, गांधी ने कहा नहीं। तो कुछ उस वक्त में शायद से कुछ क्या कुछ कॉपरेशन दिया थोड़ा बहुत, ध्यान नहीं आ रहा क्या दिया क्या दिया, और धीरे धीरे फाइनली फिर 1947 में लोग आजाद। और इसके साथ ही क्लास भी 5 मिनट लेट हो गई, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें ये जरूरी है, तुम्हारे एग्जाम में ये जरूर आएगा कि भाई किसान जमींदारों का क्या व्यू था
वर्कर का क्या व्यू था, किसानों का क्या व्यू था, ये तो स्टोरी तो मैंने तुम्हें समझाई दी। अब स्टोरी के साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझना। एक एक और वर्ड याद रखना, यहाँ पे एक दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला मैदान है जहाँ पे आईसीसी का मैच होता है, जहाँ पे वो T20 वाला मैच होता है आईपीएल का, वहां पे एक HSRA हसरा करके कर वो बनी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। इसके अंदर अपना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग थे जो गोली चलाने वाले थे, इनकी मीटिंग हुई थी। ये भी बुक के अंदर पढ़ लेने इसको, बटकेश्वर दत्त वगैरह ने फेंका। ये पूरी की पूरी डेडलाइन दे रखी है इसमें विराज, मैं देख लूंगा, मेरी डेडलाइन मुझे पहले बताते तो मैं ढूंढ के रखता। ठीक है भैया, उसके बाद गांधी जी हो गए, हो गए मुस्लिम लीग वगैरह, मुस्लिम लीग ने बोला हमें तो अलग कंट्री चाहिए, उसको अलग कंट्री चाहिए। उसके बाद इंडिया के अंदर भारत माता की फोटो फाटो बनी थी, वो सब तुम देख। ठीक है, चलो भाई लेट हो गए अभी। आई विश ऑल द बेस्ट टू माय फ्रेंड प्रथम। प्रथम अच्छा करना, रात को पढ़ना अच्छे से चारों सेट से, और झंडे गाड़ देना कल। यस, ठीक है, थैंक यू सर। चलो गाइस बाय बाय, लेट हो गया अगली क्लास के लिए। बाय 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 सर, थैंक यू सर।